हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग एमन फातिमा। और मेरे वीडियोस को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि वीडियोस का रिव्यू है, वॉट एवर द कमेंट यू आर गिविंग, आई रियली लाइक एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट। एंड जो व्यूज़ है वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में इसलिए भी नहीं है क्योंकि इट्स नॉट एनी एंटरटेनिंग वीडियो। तो द पर्सन हु वॉन्ट द एजुकेशन डेफिनेटली दे आर गोइंग देयर, क्योंकि जो व्यू ड्यूरेशन है वो काफ़ी अच्छा है वीडियोज़ का। तो इट गिव मी अ पॉजिटिव इंकरेजमेंट टू मेक द वीडियोज़। तो आज का जो टॉपिक है उसके लिए कुछ बेसिक नॉलेज और प्रीवियस नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाउ आई एम मूविंग टू फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। तो ये है कि विच डायमीटर ऑफ द फीटल स्केल गिव द पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन। तो उसके लिए पहले हमें प्रेजेंटेशन पता होनी चाहिए कि प्रेजेंटेशन क्या है या प्रेजेंटिंग पार्ट क्या है। तो एट द टाइम ऑफ लेबर और बर्थ प्रोसेस द फर्स्ट पार्ट इज कमिंग, दैट इज़ कॉल्ड द प्रेजेंटिंग पार्ट, जो कि नॉर्मली होता है वर्टेक्स, या जिसको हम सिफेलिक भी बोलते हैं। अदर देन दिस प्रेजेंटेशन वी कुड नॉट डू द लेबर विल नॉट बी कंसिडर एज ए नॉर्मल लेबर, इट विल नॉट कम अंडर डेफिनेशन ऑफ द नॉर्मल लेबर, एंड फॉर दैट वी नीड द सम ऑब्स्टेट्रिक इंटरवेंशन। सो आज हम बताएंगे कि कौन से पर्टिकुलर फीटल स्केल के डायमीटर में कौन सा पर्टिकुलर प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। तो इसके लिए मैंने थ्योरी की वीडियो बनाई है फीटल स्केल के लिए, और डेमोंस्ट्रेशन बहुत हिंदी और इंग्लिश में दिया है, तो वो वीडियो देख सकते हैं। तो लेट्स प्रोसीड फॉर द टॉपिक। अब डायमीटर, जैसे कि हमको प्रीवियसली पता होना चाहिए बिफोर सीइंग द प्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन, कि व्हाट आर द डायमीटर ऑफ द फीटल स्कल। तो फीटल स्कल के मेनली जो है वो 8 डायमीटर्स होते हैं। प्रीवियसली भी मैंने बताया है 8 डायमीटर्स होते हैं, उसमें जो 3 डायमीटर होते हैं फ्रंट की तरफ से होते हैं, मिड टर्म की तरफ से 3 डायमीटर जो होते हैं वो ऑक्सीपोड की तरफ से होते हैं, और जो 2 डायमीटर होते हैं वो दोनों डायमीटर हॉरिजॉन्टल होते हैं, बाई टेम्पोरल एंड बाई पैराइटल। तो सबसे पहले मैं इन 8 डायमीटर्स के बारे में बताऊंगी, इनका लेंथ कितना है वो बताऊंगी, और कौन से पर्टिकुलर डायमीटर में कौन सा प्रेजेंटिंग पार्ट होता है। अब डायमीटर जो होते हैं वो पर्टिकुलर लैंडमार्क्स से होते हैं। तो लैंडमार्क्स क्या होते हैं फीटल स्केल के, तो हमें पता है मेंटम, सब मेंटम, फ्रंटल, देन ब्रैग्मा, देन लैम्डा, देन ऑक्सीपुट एंड सब ऑक्सीपुट, ये पर्टिकुलर लैंडमार्क्स होते हैं फीटल स्केल में। अब हम शुरू करेंगे ऑक्सीपुट से। सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, जो कि 9.5 सेंटीमीटर होता है, ऑक्सीपुट के नीचे सब ऑक्सीपुट होता है, और उसके बाद ब्रैग्मा। तो सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक दैट इज 9.5 सेंटीमीटर, सब ऑक्सीपिटो फ्रंटल, क्योंकि ब्रैग्मा से थोड़ा आगे आता था तो 10 सेंटीमीटर होता है, देन ऑक्सीपुटो फ्रंटल जो कि 11.5 सेंटीमीटर होता। तो ये जो 3 डायमीटर होते हैं वो ऑक्सीपुट की तरफ से होते हैं, देन सब मेंटो ब्रैग्मेटिक, मतलब सब मेंटम के नीचे ब्रैग्मा का जो कि 9.5 सेंटीमीटर होता है, देन सब मेंटो वर्टिकल जो कि 11.5 होता है, देन मेंटो वर्टेक्स जिसको हम हायर डायमीटर बोलते हैं जो कि 13.5 और 14 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये जो हैं वो 3 डायमीटर हो गए फ्रॉम द ऑक्सीपुट और फ्रॉम द मेंटम। अब 2 डायमीटर्स होते हैं जो 2 बाई पैराइटल डायमीटर्स होते हैं, दैट इज़ द 9.5 सेंटीमीटर, एंड बाई टेम्पोरल दैट इज़ द 8.2 सेंटीमीटर। तो ये था हमारे डायमीटर्स का रिव्यू। अब इसमें कौन से पर्टिकुलर डायमीटर में कौन सी प्रेजेंटेशन पार्ट होगी, उसके लिए मैं अब आपको एक चार्ट दिखाना चाहूँगी। तो अगर जो है सब ऑक्सीपुट, मतलब ऑक्सीपुट के नीचे और ब्रैग्मा, अगर ये वाला जो है वो डायमीटर रहता है, तो प्रेजेंटिंग पार्ट होगा वर्टेक्स वेल फ्लेक्स, जो कि मोस्ट फेवरेबल कंडीशन होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। बट इसके अपार्ट फ्रॉम दैट अगर जो है क्या हो जाएगा, सब ऑक्सीपुट जो है वो ब्रैग्मा की जगह फ्रंटल जो कि थोड़ा एक्सटेंड होता है 10 सेंटीमीटर होता है, जब हो जाएगा वर्टेक्स डिफ्लेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट, तो उसका डायमीटर थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। पर वर्टेक्स वेल फ्लेक्स जो है वो सबसे अच्छा डायमीटर है नॉर्मल डिलीवरी के लिए। देन आ जाएगा ऑक्सीपुटो फ्रंटल, ऑक्सीपुट और आगे का डायमीटर जो कि 11.5 सेंटीमीटर है, तो उसमें हो जाएगा वर्टेक्स एक्सट्रीमली डिफ्लेक्स हो जाएगा इन ऑक्सीपुटो पोस्टीरियर पोजिशन। देन नेक्स्ट जो डायमीटर है मेंटम की तरफ से, सब मेंटो मेंटम के नीचे से लेके ब्रैग्मा तक जो कि 9.5 सेंटीमीटर होता है, फेस कम्प्लीटली एक्सटेंड होगा, जिसमें हमें फेस प्रेजेंटेशन मिलेगी, प्रेजेंटिंग पार्ट फेस होगा, जो कि नॉर्मल प्रेजेंटिंग पार्ट नहीं है, जो कि माल प्रेजेंटेशन में आता है फेस प्रेजेंटेशन, जिसके लिए हमें कुछ मैन्यूवर्स करना पड़ेंगे नॉर्मल डिलीवरी के लिए।
देन हो जाएगा मेंटो वर्टिकल, मेंटम से लेके वर्टेक्स तक जो कि होता है मेंटो मेंटम से लेके वर्टेक्स तक जो कि होता है 13.5 और 14 सेंटीमीटर, इसको बोलते हैं ब्रो मिडवे बिटवीन फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन, इसको ब्रो प्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। इस प्रेजेंटेशन में क्या होता है, डायमीटर सबसे हाईएस्ट होता है और नॉर्मल डिलीवरी थोड़ा पॉसिबल नहीं होती है। देन होता है सब मेंटो वर्टिकल, सब मेंटम से लेके वर्टेक्स 11.5 सेंटीमीटर, इसमें फेस जो है इनकम्प्लीटली एक्सटेंड होता है, एक्सटेंड होता है और पूरी तरीके से एक्सटेंड नहीं होता है। देन बाईपैराइटल, अगर हमें आगे की तरफ मिल जाएगा ये वाला बाईपैराइटल, दैट इज द 9.5 सेंटीमीटर, वर्टेक्स होगा लेकिन फ्लेक्स होगा, बट बाई टेम्पोरल में जो होगा वर्टेक्स है लेकिन फ्लेक्स होगा, चाहे बाईपैराइटल हो या बाई टेम्पोरल हो, जो दोनों टेम्पोरल के बीच के हाईएस्ट पॉइंट होते हैं। तो ये पर्टिकुलर डायमीटर होने से पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन हमें मिलेगा। पर द बेस्ट प्रेजेंटेशन इज अ सब ऑक्सीपिटो ब्रैग्मेटिक, सब ऑक्सीपिट से लेके ब्रैग्मा तक जो क्या होता है कंप्लीट, जिसमें हमें क्या दिखता है वर्टेक्स दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिफाइलिक प्रेजेंटेशन, दैट इज द सुटेबल और द कम अंदर द डेफिनेशन ऑफ द नॉर्मल लेबर। तो वीडियो को लाइक करने के लिए आगे शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और अगर आपको इसी तरीके का कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच।